तो सर मैजिक रिवीजन की खास बात क्या है? मैजिक रिवीजन की खास बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको फन मेमोरी टेक्निक से सारे के सारे आंसर्स याद करवा देता हूँ, और अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ रखा ना ये, तो आपको अच्छी तरीके से हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में घुस जाएगा। आज करेंगे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट ऐसे ही 3402, ऐसे ही 3400 कर लिया आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, 3420 कर लिया आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, तो 3402 भी कर ही लेते हैं ना, जबरदस्त रिस्पॉन्स आ जाएगा आपका, मजा आ जाएगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से आज सफा चट कर देंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ए स्क्वायर कैटेगरी सर, सुपर डुपर जबरदस्त इंपॉर्टेंट ऐसे ही 3402, जिसमें पूरे इंडिया को दिक्कत होती है। तो मेरे इंडिया वासियों सुनो, बढ़िया तरीके से आज आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक दबाओ, लाइक दबाओ, लाइक दबाओ, दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो, और कमिटमेंट कर दो कमेंट में कि हम 70+ स्कोर करेंगे, ये विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट, ठीक है सर? मैंने बोला हाँ जी, एग्जाम्स नजदीक है लेकिन हम लोग तोड़ के दिखाएंगे, ठीक है, मुंह तोड़ के दिखाएंगे। आओ भाई जबरदस्त तरीके से चालू करते हैं एसए 3402, जिसका नाम है एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल चैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? देखो सर बहुत सिंपल है, एक होती है यूजर एंटिटी जिसका ऑडिट करता है हमारा यूजर ऑडिटर, एक होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिटर कौन होता है, सर्विस ऑडिटर, समझ रहे हो? यूजर एंटिटी का ऑडिटर यूजर ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ऑडिटर। यूजर एंटिटी जो है ना वो है ए लिमिटेड, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो वो है बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड से सर्विस ले रहा है, समझो? ए लिमिटेड क्या कर रहा है, बी लिमिटेड से सर्विस ले रहा है, ए लिमिटेड क्या कर रहा है, ले रहा है, बी लिमिटेड दे रहा है, तो ए लिमिटेड कौन हो गया, यूजर एंटिटी, बी लिमिटेड कौन हो गई, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूज करने वाला यूजर, सर्विस देने वाला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूज करने वाला यूजर एंटिटी, सर्विस देने वाला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है, 10th और 12th से भी ज्यादा आसान है। मैं कहा बिल्कुल आओ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विस ऑडिटर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, देखो सर्विस ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है, अब आप मेरे को बताओ, ए लिमिटेड की बात चल रही है बी लिमिटेड की, अरे भाई बी लिमिटेड की सर्विस ऑडिटर, समझ रहे हो? मैंने बोला हाँ जी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर कौन है, सर्विस ऑडिटर, ठीक है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर कौन है, सर्विस ऑडिटर। तो सर्विस ऑडिटर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बारे में है आपका पहला क्वेश्चन, यानी कि बी लिमिटेड के ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा गया है। तो बात समझना बड़ी ध्यान से, मेरे साथ साथ रिपीट करो, सिस्टम कैसा है, एलवी यादव सिस्टम, ठीक है, अपन नॉर्मल बोलेंगे सिस्टम, हाँ भाई, हाँ भाई सिस्टम, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल्स कैसा है, बोलो मेरे साथ साथ, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल्स कैसा है, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल्स कैसा है, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल्स कैसा है, बोलो मेरे साथ साथ, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल्स कैसा है। अब बड़े ध्यान से सुनना, सिस्टम में आता है डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल में भी आता है डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, लेकिन फर्क क्या है ना, सिस्टम के डिजाइन इंप्लीमेंटेशन का एक ही पॉइंट है, कंट्रोल के डिजाइन इंप्लीमेंटेशन को दो पॉइंट्स में बांट दिया, ठीक है, सिस्टम का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन का एक ही पॉइंट है, कंट्रोल्स के डिजाइन इंप्लीमेंटेशन को दो भागों में बांट दिया, ऐसा क्यों किया सर, अभी पता चल जाएगा नीचे, सर समझ गए इतना मेरी बात, मैंने बोला हाँ जी सर। तो देखो पहला पॉइंट क्या है ना, सिस्टम कैसा है, दूसरा पॉइंट क्या है ना, कंट्रोल्स का डिजाइन कैसा है और कंट्रोल्स का इंप्लीमेंटेशन कैसा है, समझ रहे हो? देखो पहले वाले पॉइंट में मैंने इधर क्या बोला आपको, इधर देखो यहाँ पे सिस्टम कैसा है, डिजाइन भी आया इंप्लीमेंटेशन भी आया, देखो सिस्टम में डिजाइन भी आया इंप्लीमेंटेशन भी आया, समझ गए? मैंने बोला कंट्रोल में क्या आया पहले, कंट्रोल का डिजाइन आया, और तीसरे पॉइंट में क्या आया, कंट्रोल का इफेक्टिवनेस आया, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है सर? मैंने बोला हाँ, सिस्टम का एक पॉइंट बनाया, कंट्रोल के दो पॉइंट बनाए, दूसरा और तीसरा। एक और बात समझना, सिस्टम की बात कर रहा हूं ना, पीरियड की बात कर रहा हूं, डेट की बात कर रहा हूं, कंट्रोल के डिजाइन की बात कर रहा हूं ना, पीरियड की बात कर रहा हूं, डेट की बात कर रहा हूं, लेकिन 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 कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन में केवल और केवल पीरियड की बात कर रहा हूं, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी पता चल जाएगा, ठीक है? और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इन सब पे रिपोर्टिंग करना। सर ये तो बहुत आसान है, मैंने बोला बिल्कुल सर बहुत ज्यादा आसान है, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल कैसा है, सिस्टम में किसकी बात कर रहा हूं, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन की, कंट्रोल में दो पॉइंट बना दिए, एक डिजाइन का एक इंप्लीमेंटेशन का, और सब पे रिपोर्टिंग कर दी। सर सिस्टम में मैं पीरियड की भी बात कर रहा हूं, डेट की भी बात कर रहा हूं, कंट्रोल के डिजाइन में पीरियड की भी बात कर रहा हूं, डेट की भी बात कर रहा हूं, और कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन में केवल और केवल और केवल पीरियड की ही बात कर रहा हूं, सर ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ आ जाएगा आपको अगले ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टू, टाइप वन और टाइप टू रिपोर्ट, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस टाइप वन टाइप टू रिपोर्ट, मैंने बोला मैं बैठा हूं समझा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहली होती है टाइप वन रिपोर्ट, दूसरी होती है टाइप टू रिपोर्ट, वाह 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 सर क्या जबरदस्त डिफरेंस है, सुन रहे हो? अब बात समझो, दोनों में है ना सिस्टम की बात चलेगी, एलविश भाई दोनों में किसकी बात चलेगी, सिस्टम की बात चलेगी, देखो सर लिखा हुआ है सिस्टम और इधर भी सेम सिस्टम, समझ गए? मैंने बोला हाँ जी, इतना तो पता चल गया। अब
रिटर्न में मेरे को लिखना है, मतलब लिखित में देना पड़ेगा, ठीक है सर, लिखित में देना पड़ेगा। कौन किसको लिखित में देगा? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑडिटर को लिखित में देगा, दोनों ही केस में लिखित में देगा, रिटर्न एसर्शन, रिटर्न एसर्शन, मैंने बोला हाँ जी। अब किस बारे में देगा सर, बात समझना बड़े ध्यान से। पहला सिस्टम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन को याद करो, सिस्टम में क्या करता है सर, सिस्टम इधर भी तो आया, मैंने बोला देखो सर इधर है ना सिस्टम का डिस्क्रिप्शन आया, ठीक है, इधर क्या आया सिस्टम का डिस्क्रिप्शन आया, यानी सिस्टम का ऊपर ऊपर का, इधर जैसे बोल सकते हैं ना आपके बुक के स्टार्टिंग में प्रीफेस दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि मेरी मम्मी को धन्यवाद, मेरे पापा को धन्यवाद, जिन जिनों मेरी बुक बनाने में मदद की उनको धन्यवाद, ठीक है, वो होता है डिस्क्रिप्शन। अब बात आ रही है मेन अंदर के माल की, डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन, ठीक है सर, मैंने बोला। अब बात समझना, क्वेश्चन नंबर वन को ध्यान में रखो, सिस्टम में क्या था, खाली डिजाइन था, खाली इंप्लीमेंटेशन था, दोनों था, मैंने बोला दोनों था सर, दोनों था ना सिस्टम में, कंट्रोल में अलग दो पॉइंट पड़े थे लेकिन सिस्टम में तो दोनों था, तो मैंने बोला हाँ, तो सिस्टम का डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन। और अगर आपको याद है तो सिस्टम दोनों में था, डेट में भी था, पीरियड में भी था, मैंने बोला डेट में भी पीरियड में भी। अब बात बड़े ध्यान से समझना, सिस्टम का डिजाइन, सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, इधर डेट का है, इधर पीरियड का है, यानी 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 टाइप वन में डेट है, टाइप टू में पीरियड, टाइप वन में क्या है डेट है, टाइप टू में पीरियड, टाइप वन, वन मतलब कि एक, एक यानी कि एक डेट पे, और टाइप टू, टू यानी कि पीरियड, समझ रहे हो कैसे याद रखना है, टाइप वन, वन का मतलब क्या होता है एक, एक क्या होती है डेट एक होती है, और टाइप टू यानी कि पीरियड पूरा का पूरा, सर समझ गए तो बहुत आसान लग रहा है। अब आओ दूसरे पॉइंट पे, कंट्रोल में क्या था, दो पॉइंट कर रखे थे उन लोगों ने, एक पॉइंट था डिजाइन का, एक पॉइंट था इंप्लीमेंटेशन का, तो अब बात मेरे को कंट्रोल के डिजाइन की, और उसमें भी दोनों थे, डेट भी था पीरियड भी था, डेट और पीरियड, तो देखो कंट्रोल के डिजाइन में इधर डेट आएगा, इधर आएगा पीरियड, जैसा कि मैंने बोला टाइप वन में क्या आता है डेट, क्योंकि एक क्या होती है डेट और दूसरा में क्या आता है पीरियड, ठीक है, मैंने बोला हाँ। लेकिन 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 अगर आपको याद हो ना, जो तीसरा पॉइंट था ना वो कंट्रोल के केवल और केवल इंप्लीमेंटेशन की बात करता था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, और उसमें भी खाली और खाली पीरियड की बात चलती थी, देखो यहाँ पे ऊपर कंट्रोल के खाली और खाली पीरियड की बात चलती थी तीसरे वाले पॉइंट में, तो बस सर कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन के पीरियड की बात आएगी टाइप टू में। सर क्यों पीरियड की बात आएगी, क्योंकि ये टाइप टू है, टाइप वन में आती है डेट की बात, टाइप टू में आती है पीरियड की बात, सर कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन के किसकी बात आ रही है सर, पीरियड की बात, इंप्लीमेंटेशन को उधर क्या बोला गया है ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, सर जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया, तो लाइक कर दो ना यार, ठीक है। उसके बाद दोनों में मैं लूंगा रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आके दे सकते हैं, अपन तो कौन है, अपन तो मनुष्य हैं, ठीक है, इसलिए अपन क्या देंगे रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन 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 टाइप टू रिपोर्ट में टीओसी और उसके रिजल्ट के बारे में बात चलेगी, सर टीओसी मतलब क्या सर, टॉस, मैंने बोला नहीं भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल की, यानी 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 टाइप टू रिपोर्ट में दो चीजें एक्स्ट्रा है, आहा रिपोर्ट का नाम भी टाइप टू और चीजें भी है दो एक्स्ट्रा, कौन सी सर, एक तो कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन, दूसरा टीओसी, समझ गए। अब देखो यहाँ पे समरी लिखी है, टाइप वन रिपोर्ट किसके बारे में बात करता है, कंट्रोल के खाली डिस्क्रिप्शन और डिजाइन की, लेकिन 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 टाइप टू रिपोर्ट कंट्रोल के डिजाइन की भी बात करता है, डिस्क्रिप्शन की भी बात करता है, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस यानी कि इंप्लीमेंटेशन की भी बात करता है, और एक और चीज नहीं लिखी है क्या है वो, टीओसी के बारे में भी बात करता है, मैंने बोला हाँ सर, इतना बढ़िया आपको पहले कभी समझ में आया था, नहीं आया था ना तो लाइक ठोको फटाफट से। अब हाउ सच एंगेजमेंट इज प्रोसीडेड विद, अब मैं ये वाले एंगेजमेंट को ऐसे ही 3402 में जो मेरा काम है ना वो कैसे करूं सर, इधर कौन काम करता है, मैंने बोला इधर सर्विस ऑडिटर काम करता है, किसके लिए काम करता है, मैंने बोला यूजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, यूजर एंटिटी के लिए काम करता है, सर कौन सी यूजर एंटिटी, मैंने बोला भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, माने ए लिमिटेड है जो कि सर्विस मैंने क्या बोला था ले रही है, बी लिमिटेड उसको दे रही है, तो ए लिमिटेड का ऑडिटर यूजर ऑडिटर, बी लिमिटेड का ऑडिटर सर्विस ऑडिटर, तो यहाँ पे सर्विस ऑडिटर काम कर रहा है यूजर ऑडिटर के लिए, सर्विस ऑडिटर किसके लिए काम कर रहा है यूजर ऑडिटर के लिए, तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखेगा। अब सर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, आपके एमटीक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन कितने मार्क का है, मैं कहा 5 मार्क का है, और इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट है 12 मार्क है, तो 12 पॉइंट आप लिखोगे क्या, 5 मार्क के क्वेश्चन में 12 पॉइंट लिखोगे क्या, मैंने बोला नहीं सर, 6-7 पॉइंट लिख के आ जाना, जितने मार्क्स मिले उतने ठीक है, तो 12 पॉइंट में से जो आपको पसंद हो ना पॉइंट वो थोड़े लिख के आ जाना, मैं आपको चलो करवा देता हूं। पहले मेरे को क्या चेक करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट, सब लोग की नियत साफ है कि नहीं है, फिर मेरे को देखना है मैनेजमेंट कौन है, TCWG कौन है, उनका हायरार्की कैसा है यानी कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कौन किसको कर रहा है यानी कि उनकी हायरार्की कैसी है, फिर ऐसे 210 में याद है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते थे, वो तो हर जगह होंगे यार, टर्म्स एंड कंडीशन के बिना कहीं भी काम होता है क्या, कहीं भी काम नहीं होता मेरे बेटा, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ले लूंगा, क्राइटेरिया ले लूंगा सर, क्राइटेरिया यानी कि जिधर एसेस होते हैं ना, जैसे कि ऑडिट में एसेस होते हैं वैसे इधर अपन क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया बोलते हैं, जैसे ऑडिट में अपन देंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, उधर इसको क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया बोलते हैं, इधर एसए में, ठीक है सर, एसए में जो FRF पढ़ा है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इधर उसको क्या बोलते थे, क्राइटेरिया। फिर मटीरियलिटी में देखूंगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम देखूंगा, कंट्रोल देखूंगा, कंट्रोल देखूंगा, देखो कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन भी देखना है, डिजाइन भी देखना है, किसमें, टाइप वन टाइप टू दोनों में, लेकिन टाइप टू में एक और एक्स्ट्रा चीज देखनी है, वो क्या है,
ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, याद है तुमको मैंने बोला हाँ, तो ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे ना दो बार आपको पक्का पक्का याद हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, आस्किंग फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन अलग से बनेगा आपको कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज का लेना है। तो मैंने बोला सर्विस ऑडिटर है ना, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, सर्विस ऑडिटर जाएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, यानी कि मेरे एग्जाम्पल में बी लिमिटेड के पास से मेरे को क्या लेना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। किन बातों का? देखो सबसे पहला तो एसर्शन के लिए लेना पड़ेगा आपको, किसके लिए? ए फॉर एसर्शन के लिए लेना पड़ेगा। दूसरा किसके लिए लेना पड़ेगा? कि मेरे को ऑल इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सर्विस ऑडिटर क्या बोलेगा? मेरे को लिख के दो कि आपने मेरे को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी है, डिस्क्लोज कर दी है। समझ गए सर? मैंने बोला हाँ, और चार चीजें डिस्क्लोज करिए। सर अभी तक दो क्या पढ़े? ए फॉर एसर्शन, ए फॉर ऑल इन्फो। मेरे साथ साथ रिपीट करो, ए फॉर एसर्शन, ए फॉर ऑल इन्फो। और तीसरा क्या बोलेगा? कि आपने मेरे को चार चीजें डिस्क्लोज करिए। पहला नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन फ्रॉड, खाली इतना लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, पूरा नहीं लिखोगे। नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन फ्रॉड अनकरेक्टेड डिविएशन, यानी ऐसी गलती जो कि आपने नहीं सुधारी है, कुछ गलती की होगी आपने जो कि सुधारी नहीं होगी, यानी आपने कानून फॉलो करने की नहीं, तो पहले कानून के बारे में, कानून के नॉन कंप्लायंस के बारे में। दूसरा डिजाइन डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल, यानी कि इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी के बारे में मैं क्या कर लूंगा, मैंने बोला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे लूंगा। इंस्टेंसिस वेयर कंट्रोल्स नॉट ऑपरेटेड एज डिस्क्राइब्ड, यानी कि इंटरनल कंट्रोल है ना आपने अच्छे से ऑपरेट नहीं किए। और सब्सिक्वेंट इवेंट अगर आप देखोगे ना तो सारे गंदे कारनामों के बारे में मेरे को उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है। क्या क्या? कानून का नॉन कंप्लायंस, यानी कंप्लाई तो हुआ ही नहीं है। इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी, यानी इंटरनल कंट्रोल अच्छी थी ही नहीं और इंटरनल कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रही। और सब्सिक्वेंट इवेंट, समझ रहे हो मैंने बोला किन किन चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना है? ए फॉर असर्शन, ये रहा सर ए फॉर असर्शन। ए फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला ये रहा सर ए फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। अब देखो सारे गंदे कारनामे, गंदे गंदे कारनामे, छी। पहला कानून का नॉन कंप्लायंस हुआ, दूसरा इंटरनल कंट्रोल गंदे है, डेफिशिएंसी है, इंटरनल कंट्रोल तो अच्छे है लेकिन ऑपरेशन ही अच्छा नहीं हुआ है, और सब्सिक्वेंट इवेंट, मैंने बोला हाँ जी ये तो बहुत इजी था। अब एश्योरेंस रिपोर्ट में क्या क्या आता है? सर मैं तो आपको हर चैप्टर में समझा समझा के थक गया, पहली दो पॉइंट और आखिरी तीन पॉइंट सेम होती है। तो देखो पांच मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको, टाइटल एड्रेस ही सेम और आखिरी के तीन, डेट सिग्नेचर प्लेस ऑफ सिग्नेचर सेम, बीच के आपको जो याद हो तीन चार लिख देना, बाकी सारे जयराम जी की। मैंने बोला हाँ जी, देखो एक बात याद रखनी है, जो डेट है ना हमारे ऑडिट रिपोर्ट की, नॉट अर्लियर देन एविडेंस डेट, वो तो जाहिर सी बात है ना, पहले एविडेंस की डेट आएगी उसके बाद ही तो रिपोर्ट की डेट आएगी, ठीक है। मैंने बोला हाँ, इसके बीच में आपको जो एक दो पॉइंट याद हो ना, चलो मैं ये आपको करवा देता हूँ। देखो पहला तो ये वाला, देखो इजी वाला पॉइंट है, पांचवा वाला पॉइंट, स्टेटमेंट के रिपोर्ट किसके लिए? यूजर एंटिटी के लिए, उनके ऑडिटर के लिए। जनरल पब्लिक के लिए रिपोर्ट नहीं बना रहा हूं, मैंने आपको बोला था ये सर्विस ऑडिटर किसके लिए बना रहा है, यूजर ऑडिटर के लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। मैंने बोला हाँ, स्टेटमेंट कि जो मेरा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पता है इसमें क्या लिख देना बिना पढ़े? एक तो एसर्शन लिख देना, फिर सिस्टम का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, फिर कंट्रोल्स का ऑपरेशन, कंट्रोल्स का डिजाइन, उन सब के लिए क्या है ना, देखो कंट्रोल का भी लिखा हुआ है, कंट्रोल का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन, बस इतना सारा अंदर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मैंने बोला पहला वाला क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ा था बस उसके लिए, पहला क्वेश्चन जो था ना उसमें था वही बात है, सिस्टम कैसा है, कंट्रोल्स कैसा है, वही सारी बातें लिख देने का। फिर स्टेटमेंट एक लिख देना कि एंगेजमेंट 3402 के हिसाब से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में कहां कहां दिक्कत है उसके बारे में। फिर सर्विस ऑडिटर का ओपिनियन पॉजिटिव फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म का मतलब पता है क्या है? एक होता है आई लव यू, वो होता है पॉजिटिव फॉर्म, एक होता है आई डोंट हेट यू। अभी आप देखोगे तो दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, एक होता है आई लव यू, एक होता है आई डोंट हेट यू, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में जब मैं बोलता हूं ना तो मैं ऐसा पॉजिटिवली उसको बोलता हूं आई लव यू। अगर तुम आई डोंट हेट यू देखोगे ना तो वो एक नेगेटिव फॉर्म है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसी रहती है? पॉजिटिव फॉर्म में रहती है। फिर क्या आप लिख सकते हो? देखो ये वाला लिख सकते हो, समरी ऑफ सर्विस ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, अपने प्रोसीजर, सर्विस ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर किए उसकी समरी बता देगा, बोल देगा कि मेरे को एविडेंस मिले थे कैसे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो आप इंटर से पढ़ते आ रहे हो। और टाइप वन रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट डाल देना कि इधर मैंने इंप्लीमेंटेशन की बातें नहीं करी थी इंटरनल कंट्रोल की, क्योंकि वो तो किधर करी थी, खाली और खाली टाइप टू रिपोर्ट में करी थी। इंप्लीमेंटेशन बोलते ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात, अगर आपको याद है तो टाइप टू में अपने दो बात एक्स्ट्रा करी थी, कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन की बातें और टीओसी की बातें। मैंने बोला हाँ जी सर ये तो बढ़िया है, सर बढ़िया है, बस इतना ही आप कर लोगे, काफी आपके पांच पांच क्वेश्चन के लिए। अब मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन में कब कब दूंगा? मॉडिफाइड ओपिनियन एक ऐसा ओपिनियन होता है कि जो बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ है। तो क्वेश्चन वन के सारे पॉइंट्स, यानी क्वेश्चन वन का पहला पॉइंट क्या था याद है आपको? सिस्टम कैसा है, तो मैंने बोला सिस्टम है ना बेकार है, लिखा हुआ सिस्टम बेकार है, डज नॉट प्रेजेंट सिस्टम एज डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड, यानी कि इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जैसा डिजाइन किया था, जैसा इंप्लीमेंट किया था वैसा नहीं चलता है। या दूसरा क्या पॉइंट था उसमें? कंट्रोल, ठीक है, तो कंट्रोल का एक अपन ने पढ़ा था, डिजाइन का एक अपन ने पढ़ा था, इंप्लीमेंटेशन का। देखो कंट्रोल के डिजाइन अच्छे नहीं है, कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन वन वाले तीन पॉइंट हो गए। क्या था क्वेश्चन वन के तीन पॉइंट? क्या थे? पहला था सिस्टम,
कैसा है और कंट्रोल कैसा है, कंट्रोल के दो पॉइंट निकाले। तो मैंने बोला सिस्टम बेकार है, कंट्रोल का डिजाइन बेकार है, कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन बेकार है। यार सिस्टम में अपने बाइफरकेशन नहीं करा था, एक ही पॉइंट में डाल था डिजाइन इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल में अपने बाइफरकेशन किया था, मैंने बोला हाँ वो तीन पॉइंट याद आ गए। उसके अलावा मेरे को एविडेंस अगर नहीं मिला, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, लिखा हुआ है नो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिख के मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट की बात नहीं चल रही है मेरे भाइयों, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है स्टैंडर्ड ऑन इंश्योरेंस एंगेजमेंट की, ठीक है सर। हाँ, तो ऐसी सारी सिचुएशन में जब मेरे को सिस्टम अच्छा नहीं होता, कंट्रोल अच्छा नहीं होता, एविडेंस नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ सर, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देता हूँ, उसके रीजन डाल देता हूँ। मैंने बोला बहुत सिंपल था ये तो। उसके बाद टाइप टू रिपोर्ट में एडिशनल रिपोर्टिंग क्या होने वाली है, याद करो दो चीजें उसमें एडिशनल होगी, पहली थी टीओसी और दूसरा था कंट्रोल के इंप्लीमेंटेशन। तो देखो टाइप टू रिपोर्ट में मैं एक सेपरेट सेक्शन बनाता हूं जिसमें मैं टीओसी एंड इट्स रिजल्ट के बारे में लिखता हूं, ठीक है सर, टीओसी एंड इट्स रिजल्ट। अब सर टीओसी के बारे में क्या क्या डिस्क्लोज करोगे, पहला कौन से कंट्रोल टेस्ट किए, तो मैंने बोला एग्जाम्पल सेल के लिए मैंने कंट्रोल टेस्ट किए, जो मेरी बिक्री हुई ना सेल उसके लिए कंट्रोल टेस्ट किए। अब क्या मैंने सारे आइटम चेक किए थे या सिलेक्टेड आइटम, तो मैंने बोला सिलेक्टेड आइटम चेक किए थे सैंपल बेसिस पे। और नेचर ऑफ टेस्ट क्या था, तो मैंने बोला बिल तो चेक नहीं किए, एक लेकिन टैली का डेटा चेक कर लिया, समझ रहे हो। तीन चीज उसमें हमको करनी है, पहला कौन से कंट्रोल टेस्ट किए, बोले तो विच कंट्रोल टेस्ट, ऑल आइटम किया सिलेक्टेड आइटम किए और नेचर ऑफ टेस्ट, ठीक है। और अगर तो डिविएशन आइडेंटिफाई हुए हैं ना सर, तो क्या क्या मेरे को डिस्क्लोज करना है, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग इंक्लूडिंग सैंपल साइज, सैंपल साइज का मतलब है कि 100 में से आपने कितनी आइटम टेस्ट करी, और नंबर एंड नेचर ऑफ डिविएशन, ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। और सर्विस ऑडिटर है ना वो डिविएशन का रिपोर्टिंग कर देगा, इवन इफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव, आपको लग रहा होगा बाहर बाहर से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव है लेकिन डिविएशन हुए होंगे ना, अंदर क्या पता चला होगा कि डिविएशन का मतलब क्या होता है पता है, अंदर क्या पता चला होगा कि टीओसी खोखले हैं, टीओसी बेकार है, तो वो सारे के सारे बेकार टीओसी मेरे को क्या करने पड़ेंगे, मेरे को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंटमेंट कर देना कमेंट में कि हाँ भाई हम 70 स्कोर करेंगे, ऐसे भी डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन ऑडिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।